देखिए, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं उनके लिए. यदि वो माल का सेवन नहीं करते हैं तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सच में उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो उन्हें किस बात को लेकर एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ निडरता होती है वहाँ पर भय या डर के लिए कोई जगह नहीं होती है. तो किस बात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है यदि वो माल नहीं लेती हैं? और अगर लेती हैं तो वो खुलकर इस बात को कबूल करें, स्वीकार करें और बताएं कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं. देखिए, बॉलीवुड तभी स्वच्छ होगा जब ये सब क्लाइंट्स, पेडलर्स, किंगपिन्स, सप्लायर्स, डीलर्स, सब जितनी जानकारी इनके पास है उस जानकारी को वो शेयर करें एनसीबी के साथ. बताएं एनसीबी को कि वो उनके सर्कल में कितने लोग इस नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं. ऐसा जब ये इस तरह की बातें बताएंगे एनसीबी को, तब जाकर एनसीबी जो है वो बड़ी खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी, जो हमारे इंडस्ट्री में बड़े खिलाड़ी हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, चरस, गांजा, एलएसडी, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, एमडीएमए, और भी कई तरह के ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. तो उन बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब एनसीबी को सपोर्ट करें, एनसीबी के साथ कोऑपरेट करें.